फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और मित्रों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के धर्म संप्रदायों के बारे में। मित्रों, प्राचीन काल से ही राजस्थान जो है वो अनेक धार्मिक धाराओं का समन्वय जो है या दृष्टिगत होता है। मित्रों, राजस्थान में धर्मों के अनेक प्राचीन काल से ही अनेक धर्मों के अनुयायी जो है वो यहाँ निवास करते आए हैं। राजस्थान मित्रों, आप जानते ही हैं, वीरों की भूमि रहा है और समय समय पर यहाँ पर अनेक महान संत भी पैदा हुए जो भगवान की प्राप्ति के लिए अपना मार्ग बताते हुए अलग अलग जिन्होंने संप्रदाय चलाया। उन्हीं में एक संप्रदाय है मित्रों, बल्लव संप्रदाय। मित्रों, बल्लव संप्रदाय की आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि बल्लव संप्रदाय की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई, उन बल्लव संप्रदाय द्वारा कौन सा मत चलाया गया, इन्होंने कौन सा मत दिया। मित्रों, बल्लव संप्रदाय की स्थापना आचार्य बल्लवाचार्य ने की और इनका जन्म जो है मित्रों 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ला एकादशी को चंपारण बिहार में मित्रों इनका जन्म हुआ। मित्रों, इनके पिता का नाम तेलंगाना के एक ब्राह्मण थे इनके पिता, और इनके पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट, और इनकी जो माता थी इनका नाम था यलम गरु। और इन दोनों के घर वैशाख शुक्ला एकादशी को बल्लवाचार्य का जन्म होता है। बल्लवाचार्य का विवाह जो है मित्रों देवभट्ट नामक एक ब्राह्मण था उसकी पुत्री जिसका नाम था महालक्ष्मी, इनके साथ बल्लवाचार्य का विवाह होता है। मित्रों, बल्लवाचार्य के दो पुत्र हुए जिनमें गोपीनाथ व विठल दास, ये दो नाम हमें मिलते हैं, गोपीनाथ व विठल नाथ। मित्रों, बल्लवाचार्य की मृत्यु जो है वो 1587 ईस्वी में आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को होती है काशी में इनकी मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? बल्लवाचार्य की। मित्रों, बल्लवाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद नामक जो है वो दर्शन प्रतिपादित किया और इन्होंने अणुभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। ये दोनों ही फैक्ट है जो मित्रों इम्पोर्टेंट है। एक तो इन्होंने अणुभाष्य नामक पुस्तक की रचना की और दूसरा इन्होंने जो मत दिया वो मत कौन सा था? शुद्धाद्वैतवाद। मित्रों, शुद्धाद्वैतवाद यानी कि शुद्ध और इसमें शुद्धता और अद्वैतवाद दोनों ही चीज़ें मिक्स कर दी इन्होंने, यानी कि इस मत को देने वाले जो थे वो बल्लवाचार्य, उनके अनुसार कि ईश्वर की जो हम आराधना करते हैं वो ईश्वर एक है, अद्वैत है, उसमें कोई भेद नहीं है। और मित्रों, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है इन्होंने ख़त्म कर दिया और उसमें मित्रों शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता यानी कि ईश्वर की सिर्फ खाली उनके साथ, जैसे अब निवारकाचार्य जिन्होंने राधा और कृष्ण की सम्मिलित रूप से पूजा की तो उन्होंने इस बात को नकार दिया कि कृष्ण एक है, उन्होंने कृष्ण के साथ किसी भी स्त्री रूप को सम्मिलित नहीं किया, शुद्ध रूप से कृष्ण की पूजा पर इन्होंने बल दिया। मित्रों, बल्लवाचार्य जब द्वारका की यात्रा करते समय लौट रहे थे भगवान कृष्ण का दर्शन करके, तो ये वहाँ से लौटते वक्त राजस्थान के पुष्कर में आए और यहाँ पर जो उनके समर्थक थे उन्होंने बल्लवाचार्य की समृद्धि में पुष्कर की जो झील है मित्रों उसके किनारे बल्लभ घाट का निर्माण करवाया। तो राजस्थान के संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है कि बल्लभ घाट जो है वो कहाँ स्थित है, तो पुष्कर झील के किनारे ये बल्लभ घाट स्थित है। मित्रों, बल्लभ संप्रदाय की जो स्थापना है वो बल्लवाचार्य ने की और जिसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। पुष्टि मार्गीय ये इसका दूसरा नाम है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। बल्लवाचार्य जो थे वो श्रीनाथ जी के भक्त थे और उन्हें श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो गोवर्धन पर्वत से प्राप्त हुई और वे इसे लेकर वृंदावन आए और वहाँ पर इन्होंने वृंदावन में इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया।
मित्रों इनकी मूर्ति की जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठा भी वृंदावन के मंदिर में ही वल्लभाचार्य द्वारा करवाई गई। इसी कारण वल्लभ संप्रदाय के जो उपास्य देव हैं वो श्रीनाथ जी हैं, यानी कि वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी की पूजा होती है। मित्रों अब बात ये कि श्रीनाथ जी आखिर कृष्ण का कौन सा रूप है, तो श्रीनाथ जी कृष्ण के बाल स्वरूप है, कृष्ण के बाल स्वरूप है। इसका मतलब ये हुआ कि वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मित्रों वल्लभ संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र विट्ठलनाथ जी को जाता है। विट्ठलनाथ जी ये इनके दूसरे पुत्र थे, विट्ठलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय को इन्होंने ही लोकप्रिय बनाया। इनके द्वारा मित्रों एक अष्ट कवि अष्ट छाप कवि मंडली की स्थापना की गई। अष्ट छाप कवि मंडली जो है वो विट्ठलनाथ जी के द्वारा स्थापित की गई। और इस संप्रदाय का मित्रों जो मूल मंत्र है, यानी कि इनके द्वारा कौन सा मंत्र दिया गया जिस मंत्र को जपने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो इन्होंने मूल मंत्र दिया श्री कृष्ण शरणम गम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम गम, ये इनका मूल मंत्र था। विट्ठलनाथ जी के मित्रों सात पुत्र हुए जिनकी पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी की अलग अलग मूर्तियाँ बनवाकर इन्होंने अलग अलग जगह सात मंदिर बनवाए। इन सात पुत्रों ने अलग अलग जगह सात मंदिर बनवाए और श्रीनाथ जी के जिन्हें श्रीनाथ जी के सात स्वरूप कहा जाता है, यानी कि सात पुत्रों ने सात मंदिर बनवाकर उनमें श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करवाई। ये श्रीनाथ जी के सात रूप हैं। और ये सात रूप मित्रों कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ इनके मंदिर हैं, तो प्रथम जो मंदिर है मित्रों वो है मथुरेश्वर जी का मंदिर। और ये मथुरेश्वर जी का मंदिर कोटा में स्थित है मित्रों। ये मथुरेश्वर जी श्रीनाथ जी के एक रूप है, स्वरूप है। द्वितीय जो स्वरूप है वो है मंदिर विट्ठलनाथ जी। और ये विट्ठलनाथ जी का जो मंदिर है मित्रों वो नाथ द्वारा रासमंद में स्थित है, राजस्थान में। ये पुष्टि मार्गीय या वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है मित्रों नाथ द्वारा में है। और ये विट्ठलनाथ जी का मंदिर है। तृतीय जो मंदिर है मित्रों, तृतीय मंदिर जो है वो द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। ये द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है ये क्वाकरोली रासमंद में स्थित है मित्रों। और चतुर्थ मंदिर गोकुलनाथ जी का मंदिर जो गोकुल उत्तर प्रदेश में स्थित है। पंचम जो स्वरूप है श्रीनाथ जी का वो गोकुल चंद्र जी है मित्रों। पहले वाला जो चतुर्थ था वो गोकुलनाथ जी था और पांचवा जो है वो गोकुल चंद्र जी है। और ये गोकुल चंद्र जी है काम वन भरतपुर राजस्थान में स्थित है मित्रों। और गोकुल चंद्र जी के बाद छठा जो मंदिर है बालकृष्ण जी, ये सूरत में स्थित है गुजरात में। और सप्तम जो मंदिर है मित्रों मदन मोहन जी का वो करौली राजस्थान में स्थित है मित्रों। इस तरह ये जो सात स्वरूप है ये विट्ठलनाथ जी के सात पुत्रों द्वारा श्रीनाथ जी के सात मंदिर बनवाकर उनमें स्थापित करवाए गए। मुगल सम्राट मित्रों जब औरंगजेब का शासनकाल था तो 1669 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, तो विट्ठलनाथ जी के वंशज गोस्वामी दामोदर जी व उनके भाई मित्रों गोविंद देव जी की मूर्ति को लेकर राजस्थान के जोधपुर में चौपासनी नामक स्थान पर ले आई उनकी मूर्ति को, जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। और कदमखंडी नामक एक स्थान था जहाँ जोधपुर के पास, वहाँ पर ये 6 मास तक रुकते हैं श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर, ये 6 मास तक रुकते हैं। और दामोदर जी के चाचा जिन जो गोपीनाथ जी थे, ये गोपीनाथ जी उदयपुर के महाराणा राज सिंह के साथ उनका अच्छी इनकी मित्रता थी। और राज सिंह को जब इन्होंने ये समस्या बताई तब राज सिंह ने कहा कि 1 लाख हिंदू वीरों के सिर कटवाकर भी मैं मुसलमानों को श्रीनाथ जी की मूर्ति नहीं हाथ लगाने दूंगा। तो मित्रों मुसलमान जो थे इस वक्त, मुसलमानों से मतलब ये था कि जो औरंगजेब का शासनकाल था और औरंगजेब जो था वो हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे चुका था और श्रीनाथ जी की मूर्ति को भी
जो है उस पर खतरा हो गया था। मुसलमान इसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, इसे मंदिर, शिवाजी का मंदिर भी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो मूर्ति को लाकर राजस्थान में सुरक्षित करने का प्रयास में जो दामोदर जी थे, विट्ठलनाथ जी के वंशज थे, वो प्रयास करते हैं और इस प्रयास में राज सिंह को शामिल करते हैं। तो राज सिंह जो है इनको श्रीनाथ जी की मूर्ति को सुरक्षित करने का प्रण लेते हैं। तब ये मित्रों, ये जो मूर्ति है, ये श्रीनाथ जी की प्रतिमा जो है वो मेवाड़ लाई जाती है। मेवाड़ मित्रों, मेवाड़ में फरवरी 1672 में मेवाड़ में मेवाड़ के महाराणा यानी कि उदयपुर के महाराणा राज सिंह के आदेश पर बनास नदी के तट पर तिहाड़ गांव में नाथ जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित की जाती है और तिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया जाता है। इस संप्रदाय का मंदिर मित्रों जिस गांव में होता है उस गांव को द्वारा कहा जाता है। जैसे नाथ द्वारा, तो श्रीनाथ जी का मंदिर जो है सिहाड़ गांव नाथ द्वारा जो है वहाँ पर स्थापित है, तो उसे नाथ द्वारा कहा जाता है, जो राजसमंद जिले में स्थित है, जहाँ बल्लव संप्रदाय की मूल पीठ है। मित्रों, ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में स्थित है, ये बल्लव संप्रदाय की मूल पीठ है। इस संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उनको हवेली कहा जाता है। मित्रों, दर्शन को झांकी कहा जाता है। जब मंदिर में श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं तो उसको झांकी कहा जाता है और ईश्वर की कृपा को मित्रों पुष्टि कहा जाता है। इसीलिए ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय इस मंदिर में प्रचलित जो कीर्तन भजन होता है श्रीनाथ जी का, उसको हवेली संगीत कहा जाता है, क्योंकि मंदिर में जो मंदिर है उनको हवेली कहा जाता है। और यहाँ पर जो संगीत किया जाता है यानी कि जो भजन कीर्तन किया जाता है उसे हवेली संगीत कहा जाता है। तो मित्रों, ये फैक्ट जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, आगे गौड़ीय संप्रदाय के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।